اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ये साउंड के आगे ना कुर्सी रखे, मैंने उसको देखना है बताना है, ये उठा ले. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. इतना बड़ा इज्तम सारे जरा दूर पाक पड़े ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यही तो हमारे मुसलमानों की कमी है कि मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में नबी नबी, नारे मरवा लो चौक में बाजार में, मगर दुरूद पढ़ते हम कभी कभी, नमाज पढ़ते हम कभी कभी, सच बोलते हम कभी कभी, खालस दूध बेचते हम कभी कभी. तो ऐसे तो नहीं ना मैं लाहौर से आया हूँ मुझे पता चले आपने इतना ऊंचा स्टेज लगा दिया. मैं चाहता था मैं अपने दोस्तों के पास बैठ के खिताब करूँ, और आपने इतना ऊंचा बुलंद स्टेज लगाया मेरे से, दूर कर दिया आवाम को. तो जितने दोस्त अहबाब हैं अब मुझे आपकी आवाज़ चाहिए दुरूद पाक की. जब मैं इशारा करूँ तो आपके मेरे होंठों से हुज़ूर का नाम निकले तो सुनने वाले को तब यकीन होता है जब ज़बान से इजहार होता है. मैं आपको आज एक मसला भी बता देता हूँ. जब इंसान आगे कुरान रख के नज़र से पढ़ रहा होता है ना, इसको पढ़ना नहीं कहते. जब तक होंठ हिले और ज़बान ना हिले और अल्फाज आपके कानों तक ना पहुँचे, इसको खाली पढ़ना नहीं कहा जाए, सिर्फ देखना कहा जाएगा. कुरान पढ़ना, अपने होंठों को हिलाना, ज़बान से लफ्ज़ अदा करना, और पस्त आवाज़ थोड़ी सी हो तो कान में पहुँचे, इनू कहते ने पढ़ना. मेरी नज़र में आप सारे हुज़ूर के ग़ुलाम हैं, मगर जिसके कान में ये प्रोपोगंडा गया ना कि मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, उसको यकीन दिलाने के लिए आपको दुरूद पाक ऊँची पढ़ना पढ़ना. ये उलमा क्यों कहते हैं कि जब हुज़ूर का नाम आए तो दुरूद पढ़ना, इसकी वजह क्या है? कि दुनिया वालों को पता चले कि दिल में भी पढ़ सकता था, मगर दुनिया को पैगाम जाए कि जिसके सामने हुज़ूर का नाम लिया है ये शम्मा रिसालत का परवाना है, इसने कमली वाले पे दुरूद पहुँचाया है. अच्छा, ये दुरूद एक ऐसी इबादत है जिसे लफ्ज़े मैं नहीं आता. हर इबादत च पता क्यों शक पैदा हो जाता भी है, कबूल भी है कि नहीं, वो च लफ्ज़े मैं आता है. मिसाल, मैं उमरा किया, मैं हज किया, मैं ज़कात दी, मैं रोज़ा रखिया, मैं जनाब आला फलान नेकी दावत दी, जिथे लफ्ज़े मैं आएगा ना उहदे च कोई इखलास की कोई ना कोई कमी आ जाएगी, जिहदी वजह तो अल्लाह कहिंदा मैनू कबूल ही नहीं. मगर ये दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, जाओ तमाम उलमा से पूछ लेना, मेरा चैलेंज है पूरे दुरूद में लफ्ज़े मैं किसी अरबी लफ्ज़ का तर्जमा मुझे दिखा दो. पूरे दुरूद में कहीं लफ्ज़े मैं नहीं आया. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अल्लाह दुरूद भेज अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये इसका मतलब है, बंदा कहता है अल्लाह भेजता है, तो बंदा जब अपने मुंह से एक दफ़ा कह देता है ना तो अल्लाह कहता है ये ऐसी इबादत मैं फ़ौरन कबूल कर लेता हूँ. और हदीस पाक है कि जो आदमी 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह 70 खाशाओं दियाँ जन्नत च पूरियाँ करेगा और 30 खाशा मैलसी शहर च पूरियाँ करेगा. और असी तवीज़ धागियां कोल जाने जी, मेरा काम नहीं चलता जी, मेरी दुकान नहीं चलती, वहाँ 10,000 मैनू फड़ा, तेरा चले ना चले मेरा चल गया. सानू सिर्फ यहोजे काम चाहिए ना, तवीज़ धागे वाले को साड़ा काम चल जाए. और भाई अल्लाह की तौहीद हमने यही समझी है कि अगर ये तवीज़ धागे वाले काम बनाते होते तो इस्लामी मुल्कों IMF को भीख को मंगनी पैंदी. साढ़े मुल्क का गला कवेला होंगे भाई, अपना दिमाग लड़ाए ना, जो तेरा गला भर सकता है वो पहले अपना तो भर ले. अगर कोई तवीज़ा नाल फूकां नाल गल्लां नाल किसी का काम सवार सकता होंदा तो जिनी मौलवी कौम एक दूजे की दुश्मन है. अल्लाह माफ़ करे, तुहाडे मैलसी दे मौलवियां मैनू फूकां ना मार देना सी. हाँ जी, ये मैलसी के जितने मौलवी मैंने देखे हैं ना कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना
तो ये कहेंगे कि ये मौलवी इस शहर ना आए, तो दूसरा कहेगा ये इस शहर ना आए तो ये तो दाखिले बंद कर दे। ये बाहर से कम जनाब अला बुरे होते, अंदर से ज़्यादा बुरे होते, मगर अल्लाह ने निज़ाम अपने हाथ में रखा है। इसको तौहीद कहते हैं कि दिलों पे कब्ज़ा किस ज़ात का है। ज़रा लफ्ज़ अल्लाह वाले बोले, बाकी तो हमारे मेहमान हैं, मैं तो अल्लाह वालों से बात कर रहा हूँ। हाथ खड़े करके बोले, दिलों पे कब्ज़ा किसका है? तो मैंने मौलवियों का लफ्ज़ इसलिए चूज़ किया है कि मौलवी एक दूसरे की मस्जिद नहीं बनने देते, दर्स नहीं बनने देते, एक दूसरे की मस्जिद में जाने नहीं देते। अगर ज़्यादा ही इन्हां दे फूकां ते तवीतां चसर होवे, फिर दूसरी मस्जिद च एक नमाजी ना बने ते सारियां दी मसीत एक दी भर जाए। अज वादा करो, मैं लिख के देना, सैन करा लो। मेरे कोल सब तो वड्डा वजीफा दरूदे पाक दा है, जिहड़ा बंदा पढ़ ले अल्लाह बिन मंगिया सब कुछ अता कर देंदा है। मगर दरूद पढ़ना शर्त है, पॉइंट है, नमाज भी पढ़नी है, हलाल भी खाना है। हाँ जी, रिस्के हलाल नहीं खाना तो सारा दिन दरूद पढ़ी जाए, ये कोई दरूद पढ़ना नहीं। एक बंदा अल्लाह रसूल की वायलेशन कर रहा है ते नाल कही जा रहा धड़ते अल्लाह रहमत करे रहमत करे, ते ए ते मजाक है ना खुला। अल्लाह रसूल के हुक्म नू जिहड़ा मान के ते कमियां कताइयां ते हर इंसान च हुंदियां है। अल्लाह आंदा जदों फिर मैलसी च बंदा नमाज पढ़ के दुआ मंगदा है ना, दरूद पढ़ के, मैं फिर कमियां नहीं वेंदा, मेरी मन के उन्हें मेरे यार ते दरूद पढ़िया, मैं फिर इहदियां सारियां मन लैना है। कितने बंदे वादा करते कि 100 मरतबा मैं रोज़ दरूद पढ़ा करूँगा। मैलसी में मेरा अकाउंट खुल गया है, मैं मैलसी शहर में पहली दफ़ा आया हूँ, मेरा अकाउंट खुल गया है, जॉइंट अकाउंट है। जब तक आप दरूद पढ़ते रहेंगे रोज 100 मरतबा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा। तो तुहानू भी मैं एक मसला दस देना, जो तुहाडी बेगम तुहानू कहे कि उतो पिज़्ज़ा लिया, बर्गर लिया, शवारमा लिया, फ्रूट लिया, हाँ जी तिक्का बोटी लिया, तो उन्होंने कहीं मेरे कहने सिर्फ 100 वारा दरूद पढ़ लो। जे वादा कर लवे तो लैन चले जी, पिज़्ज़ा तो लियाना ही पैना है, रो के भी तो हस के भी लियाना ही पैना है। किन्ने बंदे वादा करते हैं कि जिन्ना मौलवी ने पूरे मजमे चो कल्या मैनू सवाब मिलना ना, यानी तुम सारे पढ़ो ना तो उन्ना ही मैनू कल्ले नू मिलना, मैं तुहानू कहा है। तो तुम अपनी बीवी नू बच्चिया नू, कोई बच्चा कहे कि पापा मुझे साइकिल ले दो, उसको बोलो बेटा 40 नमाजें मुझे जमात के साथ पढ़ के दिखा दे, मैं तुझे साइकिल ले दूँ। कभी ऐसी तरकीब तो दो अपने बच्चों को। कोई बच्चा कह देवे कि पापा मुझे मोबाइल ले दो, तो उसको बोलो बेटा मैं आपको मोबाइल अच्छा लेकर दूंगा, मगर आप पहले मेरे से वादा करें कि मुझे आपने 40 हजूर की 40 हदीसें जबानी याद करके मुझे सुनानी है। कभी ये कहा? आपने काम सारे याद करा दे जे बच्चिया। ये बच्चियों का मदरसा मुफ्ती रिजवान साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त, इन्होंने आपकी बेटियों के लिए, बेटों के लिए ये मदरसा जनाब जी बनाना शुरू किया है, ताकि यहाँ इस्लाम की जो फ्रेंचाइज खुले वहाँ से इस्लाम का पैगाम जाए, हजूर का पैगाम जाए। तो हमारे आज कितने दोस्त अहबाब हैं जो मस्जिद मदरसे में भी जाते हैं। अक्सर मैं वेख्या उन्हें बंदियाँ बहुत ही बीमारी है, जेडे मौलवियों बहुता बहन लग पेंदे ने ना, वो फिर मौलवियों हकारत की निगाह ना देखने लग पेंदे। यानी उन्होंने कोई बंदा कहे ना यार फलाना मौलवी आ रहा भाई, वो हड़बड़ा वो भी मौलवी है। ऐसे दुनिया में सूअर किस्म की मैंने सोच रखने वाले बंदे देखे हैं। नबी पाक ने फरमाया कि जिसके साथ तुमने सफ़र नहीं किया, जिसके साथ तुमने रिश्ता नहीं किया, जिसके साथ तुमने काम नहीं किया, उसके बारे तुम कमेंट्स नहीं दे सकते, ना लिख सकते हो ना कह सकते हो। मगर आज पाकिस्तान में मुनाफ़क़त अरूज पे कि हाथों में हाथ दे के पहले सलाम करते हैं, और जब कुछ सैड पे हो जाता है, बहुते यार प्यारे होंदे ते कुछ होंदे नमक हरामी, ते कंडी पीछे वो गल्लां करदे ते मुँह ते करन सलामी। ये निज़ाम चल रहा पूरे पाकिस्तान। आज कितने दोस्त है बाप वादा करते हैं कि मैं अपने बच्चों से वादा लिया करूँगा कि 100 मरतबा दरूद पाक रोज़ पढ़ना करना है इंशाअल्लाह। वादा करें, ज़रा हाथ खड़े करें। आपको तो हाथ खड़ा करना मुश्किल है, तो पढ़ना कितना मुश्किल होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैंने डर है कि विचोट के कोई यही ना कह दे भी तकरीर शुरू कर दरूद ते ही पढ़ांगे, तेरा कहदे लई स्यापा किया जे तू ही सानू पढ़ाना है। मैनू ये भी खतरा है ना। इधर देख बेटा, इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ, इस तरफ।
जितना मजमा है मैं चाहता हूँ मगरब टाइम, मैंने तो समझा था छोटा सा पांच मरले का इनका मदरसा, उसमें दर्स होगा। मुझे क्या पता इतना इंतज़ाम किया भाइयों ने, और मुझे नाम नहीं याद है रिजवान भाई के जितने साथियों ने ये इंतज़ाम किया है। अल्लाह मेरी तो कात नहीं है इतनी जितना इन लोगों ने मोहब्बत की है, तो अपनी हसीयत के मुताबिक इनको नवाज दे। सारे आमीन का पढ़ना। ये जितने स्टेज पे दाएं बाएं बैठे हैं सभी, मुझे नाम तो नहीं याद मगर इतना ज़रूर कहूँगा, आपने किसी मौलवी के कान पे बात नहीं धरनी ना अपने कान में रखनी। क्या ये मार दरूद नहीं पढ़ दे जी, ये मुनकर ने, अल्लाह की कसम उठाता हूँ जिसने ये जुमला कहा ना मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद, उन्हें 100% बिल्कुल ठीक किया है। साडा अकीदा है असी उस वक्त तक मुर्दा कबर च पाते ही नहीं, मैं जनाजा पढ़ाता ही नहीं, जदों मैं जनाजा पढ़ावा मैं उस वक्त तक मुर्दे नू कबर च लांदा ही नहीं जब तक फातिहा ना पढ़ लां दरूद ना पढ़ लां। असी फातिहा दे भी कायल दरूद दे भी कायल। हाँ जी, और मैं जुमला कहूँ पूरे पाकिस्तान में जिस मस्जिद में टाइम मिले आपने नमाज पढ़नी, और मैं फतवा देता हूँ किसी नमाजी से पूछे अत्तहियात में आपने दो रकते पढ़ी हैं तो एक तशहद है, चार पढ़ी तो दो तशहद है, तो आप अगर चार फर्ज पढ़े हैं तो आपने दुरूद कितनी बार नमाज में पढ़ा है, वो कहेगा एक दफ़ा। कितनी दफ़ा? मगर हमसे पूछना जिन पे फतवा लगता है ये दुरूद नहीं पढ़ते, हम दोनों तशहद में दुरूद पढ़ना जायज़ समझते हैं, दोनों तशहद। आज अर्ज करना चाह रहा जो मेरे इमाम आली मुकाम देना ना पाक नु मानने वालों, द्रुदे पाक पढ़िया करो आपस च मिल के रहा करो, कोई फतवा लाए हो दी अपनी मर्जी पर तुसी पढ़िया करो द्रुदे पाक, मेरा ईमान है द्रुदे पाक पढ़ने वाले बंदे दा कोई काम नहीं अड़दा। तो अजीजा ने मन हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना जान नु मानने वालो, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले, वाजाद दे काजल वाले, आलम नशा दे सीने वाले, हलीमा दे राजदार, अहमद दे मुजतबा, मुहम्मद दे मुस्तफा नु मानने वालो, मेरे मदनी करीम अगर शाने रसूल वेच आयत पढ़ी जावे तो सब तो जनाब जी अफसल लफज है कि असी मुस्तफा दे बारे अकीदा रखते हैं जो मेरे मुहम्मद दे दिल ते नाजल होया है। इहदा मतलब है जबरीले अमीन भी डायरेक्ट आन के कवे कि अल्लाह ने हुक्म दिता है, अल्लाह ने कहा जबरील लोगों ने मनना कोई नहीं, गल ओही दीन होनी है जो तू मेरे नबी दे कान च कवें ते मेरे नबी दे होंठां तो निकले ते मैलसी च उनू दीन मनिया जाएगा। जो कमली वाले दे होंठां तो निकले तो अजीजा ने मन आओ मैलसी शहर दे गयोर मुसलमान भाइयो, हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना जान दा कलमा पढ़वा लियो, मैं सलाहे मुआशरा ते बहुत चीज़ा बयान करना चाहना है। कुरान करना भी सुनावा वाज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वाद व काना रसूलन नबिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वादियां दे बड़े सच्चे, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब नूं फरमाया इन्हां लोगां नूं ऐलान करो तिल कर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज़ नबियां बाज़ रसूलां नूं बाज़ दे उत्ते फज़ीलत दित्ती है, उन्हां विच्चों एक नबी दा जिक्र करना जी सुनाउणा, वाज़कुर फिल किताब इस्माइल इस्माइल नबी दा वां भी वाकया सुनाउणा, जरा सुनिया जे ध्यान दे नाल, अल्लाह ने इस्माइल नबी दी इह सिफत क्यों बयान कीती है, हाईलाइट कर दी मैनशन कर दी है, तुसी नोट किया होगा जिहड़ी अहम गल तहरीर च होवे लोकी उन्हूं हाईलाइट कर देने मैनशन कर देंदे ने, नवजीर मारकल दे नाल हाईलाइट कर देंदे लोकी समझ जांदे आ कोई खास लफ्ज़ जजां दे सामने वकलाओ ना बेला तुसी वेख्या वे हाईलाइट कर देने जी मेरे केस च यह गल लिखी इन्नी नंबर जिमनी ते इन्ने नंबर पेज ते इन्ने नंबर सफे दे उत्ते लिखिया हुंदा वे। अजीजा ने मन हुण जरा लफ्ज़ सुनवा लई, अल्लाह ने हाईलाइट किया है क्या नबी की सिफत है कि मेरा नबी इस्माइल वादियां दा बड़ा सच्चा है। अज बड़े बड़े जलसे सुनने बड़े बड़े मौलवी सुनने
हदीसा भी सानू याद, इनू कौली हदीस कहते, इनू फेली हदीस कहते, इनू मौजू कहते, इनू मनगढ़ंत कहते, इनू हसन दर्जे दी कहते, इनू मतवातर कहते, जिदा हर दौर च रावी मिले हर मुहद्दस दे कोलों उहदी कोई ना पहला ज़ौफ नजर ना आई, ऐ जनाब फलानी हदी इनू तकरीरी कहते, इनू ना पहला फेली कहते, हर शह बंदियां नू पता लग गया उलमा सुन सुन के, ते जिहड़ा असल साडा मसला सी अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ला ईमान अली मन ला अहदलाहू, उहदा ईमान नहीं जिहदा वादा कोई नहीं, मेरे नबी करीम नू मन्नो, मेरे पैगंबर दे करदार नू मन्नो, आखिर उह किहड़ी शह सी कि जिन्हें 40 साल तक मेरे नबी नू सादक भी कवाया ते अमीन भी कवाया। वो जुमला क्या था, वो क्या सोच थी, क्या फिक्र थी, आज कितने मुसलमान भाई दोस्त है बाप ये मेरे चांद मक्खन मलाई मैलसी शहर के, जरा ईमान से जरा सोचे, इधर तवज्जो मेरे वाल, कितने मुसलमान बैठे हैं अपने अपने गिरेबान में झांक लिए, दाढ़ी भी रखते हैं, टखनों से ना बिला सलवार भी ऊपर रखते हैं, और जनाब मैंने देखा है हर वक्त इंसान मनहज 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 करते हैं। इन मनहजी से मैं ये बात तो कर लूं कि जनाब आपकी नस नस में जनाब बात अमली बेअमली, सिर्फ लोगों की सारी गलतियां निकालने वालों, लोगों की सारी गलतियों का ढंडोरा पीटने वालों, कभी तुमने करदार पे तकरीर की है, कभी करदार पे नमाजियों का मनहज याद कराया है कि हमारे नमाजियों का करदार कैसा है, हमारे उलमा का करदार कैसा है, हमारे बाजार में रहने वाले ताजर का करदार कैसा है। सुनिए जरा ध्यान से, हर जगह पे इश्तिहार लगा होता है, सीरत तो नबी नबी लिखा होता है, यहाँ हजूर की सीरत बयान की जाएगी, बयान करने वाले बयान करते हैं, सुनने वाले सुन के चले जाते हैं, ये अमल करने के लिए था। मैं जुमला कहने लगा हूं, अपने अपने बाजार में चले, जहां पाकिस्तान में लिखा होता है अजमन आशका ने रसूल, बजमे अजमन गुलामा ने रसूल, अब जरा दुनिया में झलक दिखाओ, जब हजूर ने कहा दुनिया में लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे नबी की जिंदगी मॉडल नमूना आइडियल, एक घर 5 मरले का बनाओ, अगर नक्शा बना है मिस्त्री ने उसके मुताबिक नहीं बनाया, ना कि ठेकेदार दी मजदूरी गई अदालत च केस गया, अगर एसी गलत आ गया कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, इधर बिहारी में मेरे अजीज दोस्त ना कि सेशन जज साहब बना जी, ना कि बिहारी में लगे हुए वो कंज्यूमर कोर्ट में आए हुए और मुझे बता रहे थे कि बिहारी में इतने केस हैं, फला में इतने केस हैं। मैं सवाल करता हूँ, जरा सोचे ना कि दुनिया में लेने देने के मामला हमारे जीरो, ना जी अखलाकियात हमारे जीरो, और नारे आसमान तक इश्के रसूल से हम झूम जाते हैं, जिक्र रसूल में हम झूम जाते हैं, जब करदारे मुस्तफा अपनाने की बारी आए हम घूम जाते हैं। करदार किसने अपनाना है, वो कौन सी चीज थी, हुजूर वो बिजली का कड़काता या सौते हाथी अरब के जमीन, जिसने सारी हला दे हर दिल में एक नई लगन सी लगा दी, एक आवाज में सोई बसते जगा दी, 40 साल मुस्तफा ने अपना करदार पेश किया, वादे की पाबंदी किते, सच का साथ दिता, झूठ तो नफरत किते, पैगंबर का लम्मा लम्मा अल्लाह ने आइडियल बनाया, 40 साल तो बाद मुस्तफा ने कहा मैनू अज तक किसी झूठ बोलता वे क्या वे, उन्हें क्या नहीं किसी ने मैनू वादा खिलाफी करता वे क्या वे, मेरे मुस्तफा दे रिश्तेदारों ने क्या नहीं, मक्के वालों ने क्या नहीं, आज कितने मैलसी शहर के लोग ने, अल्लाहू अकबर अल्लाह। सुनिए जरा ध्यान, कारोबार का भी बेड़ा करब, ताजर का भी बेड़ा करब, मस्बी का भी बेड़ा करब, सैकुलर का भी बेड़ा करब, दुनियादार का भी बेड़ा करब, दीन पसंद नामी पेड़ा कर, मैं दलील देन लगा है। सुनिए हमारे यहां वादे की अहमियत ना बेला बिल्कुल खत्म हो गई, आ सुन जरा ध्यान, ला ईमान अली मन ला अहदलाहू, ओदा ईमान नहीं जिदा वादा कोई नहीं, ये लफ्ज बड़ा छोटा है, आज कितने मुसलमान हैं अपने अपने अंदर जाकिए, हम कितने वादे के पाबंद है, आओ मैं हदीस पेश कराऊं, अगर हदीस का हवाला गलत हो गए जो चोर की सजा मेरी सजा है, मगर आप समझो
वाले हुए इस हदीस से समझ जाएंगे कि वादे की अहमियत कितनी है, अहद पैमान की अहमियत कितनी है। सुना जी, कुरान में अल्लाह ने सबसे बड़ी ऐत जो उतारी है अहद पैमान पे उतारी है कि अपने कौल पे फेल में इतना बेरा तजाद ना लाना। अहद पैमान जो कर लो, जो तहरीर कर लो, जो आपस में लेने देने नाप तोल कर लो, उसमें कमी नहीं करनी। मेरे नबी ने फरमाया, सुनिए, हुज़ैफा बड़ा परेशान है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दी बारगाह च आए, आंदे ने सोनिया सुनिया देते मैनू मिले ने कौन, कुरैशियां मैनू गिरफ्तार कर ले आए। बदर दी जंग दा मैदान सजन दे आवे ते बदर दे कैदियां दे अंदर बड़े बड़े काफर भी कैदी होए ते ऐदर जनाबे आला हजरत हुज़ैफा बिन यमान जंग तो पहला एक होर नाल सहाबी नबी कुरैशियां ने कैद कर लिया ते आन के बिना मुआहदा कीता है। कहंदे ने हुज़ैफा, अगर जे तू साडे नाल वादा कर ले, हलफ दे दवे। हलफ की देवे कि मैं बदर विच मुसलमाना दे नबी नाल मिलके काफरां नाल जंग नहीं करांगा, यानी साडे नाल जंग नहीं करेगा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ते नाल दूसरे सहाबी इन्होंने मुआहदा लिख दिता, जंग दे विचों वापस आ गए। जेड़े वेले मुस्तफा बदर विच ने आन के कहंदे ने सोणिया, उन्हां नूं असीं चकमा दे के आ गए, मुआहदा लिख के आ गए, उन्हां साडे कोल मुआहदा कराया कि तुसीं दोवें गिरफ्तार हो गए। जे कहो असीं तुहानूं छड़ देने पर सानू हलफ दे दो कि असीं तां नाल लड़ांगे नहीं। मेरे नबी फरमांदे ने फिर सोणिया, असीं सहन भी कर दिते, असीं हलफ भी दे दिता कि मुहम्मद करीम दे नाल मिल के असीं तुहाडे नाल लड़ांगे नहीं। वेख मुसलमाना दा नबी किड्डा दूर अंदेश, तू एक दूजे की मस्जिद का जलसा रोक देना वे, तू भी राजना प्या ला, कदी पुलिस के कन पर नहीं, कदी किसी के कन पर नहीं। क्या इस दुनिया के उत्ते लोग सुनो, जरा तवज्जो मेरे वल, ये नबी करीम का करदार है। मुस्तफा कह भी सकते थे कि काफरों से हमारा कौन सा मुआदा है, वो तो मक्के के मुशरक आए हैं। मेरे नबी के हाँ, एक वादे की कितनी अहमियत है, एक हलफ की कितनी अहमियत है। अल्लाह दे कसमे, तू लगा लगा जाना 700 हलफ देना है, मैनू नहीं जाओ ना प्याला फलानी शायद ही मार वजे, मैं हलफ देना है। आ काम नहीं किया, हलफ देना इंज नहीं किया, हलफ देना इंज नहीं किया, हलफ देना मैनू कलमे दा हलफ, मैनू कुरान दा हलफ। हाय क्या मुसलमान है, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो ने कहा मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लागी घर के चिराग से। जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो ने कहा मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये है वादे की अहमियत, अहद पैमान की अहमियत। मेरे नबी ने फरमाया, हुज़ैफा सानू बंदे बंदे दी लोड़े, पर जे तू उन्हां नाल मुआदा कर आया है, हुण तू उन्हां दे मुखालफ जंग नहीं लड़ना। मुहम्मद वादे तोड़न वाला नहीं, वादे नभाउण वाला बन के आया। करना चाह रहा वे ईमान ताजा वे अल्लाह राजी आवे। मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो, मेरे नबी करीम नु मानने वाले हो, मुबरे सादक नबी ना प्यार लेके बैठने वाले हो। लफ्ज़ सुनिए जरा ध्यान नाल, मैं कितना हसास मौजू बयान करना चाहता हूँ कि हर बंदा इसको आम समझता है, तुम्हें पता नहीं है कितना हसास मसला है। ला ईमान अली मन ला अहदला हो, ओदा ईमान नहीं जिदा वादा कोई नहीं। ये जितने नौजवान टिकटॉक मॉडल, फेसबुक मॉडल, यूट्यूब मॉडल, लाइकी मॉडल, ये जितने कॉलेजों के चन बैठे हैं, इन सब बच्चों से मैं पूछता हूँ, तुम कितनी बेटियों की इज्जतें बर्बाद कर चुके हो। प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो कि मैं आपसे शादी करूंगा, आप मेरा जीवन साथी हो, फिर उसी लड़की का नंबर अपने दोस्तों में शेयर कर देते हो, उसी के साथ काला मुंह करके उसको पूरे मुआशरे में इबरत का निशान बना देते हो। मैं इसी शहर में, मेरे और मौलवियों में फर्क कितना है, मैं दुनिया में फी जमाना हदीस चैच करके लोगों से बात करता हूं, मगर ये मौलवी मेरे मजाक उड़ाते थे, ये टिकटॉक स्टार है, ये फेसबुक पे आता है। उन मौलवियों के मुंडे भी टिकटॉक पे खे खा रहे, मौलवी आप भी टिकटॉक पे खे खा रहे, फेसबुक पे भी खे खा रहे, तस्वीर भी ला रहे, इश्तिहार भी बना रहे, मुख्तलिफ किस्म दियां बास्कटा भी पा रहे, मुंदरियां भी पा रहे, घड़ियां भी पा रहे, मौलवियों के टिशन मिशन
मुश्किल वेख के कसमे मैं हैरान ना लाओ तेरा शुक्र है मेरी जिंदगी च वखाता ही जेड़ा मेरा मजाक उड़ांदे सी अल्लाह इन्हां सारिआं दे मुँहां विच खे पा दित्ती। अज पूरे पाकिस्तान दे मुल्ला फिल्टर वालिया तस्वीरां ला के फेसबुक दे इश्तिहार लांदे ए फिल्टर ला के धोखा देण वालिआं दा वी जहन्नम च इक अलग मकाम। आ फिल्टर ला के कुड़ियां मुंडे तस्वीरां फेसबुक ते लांदे वेखण वाला आंदा बल्ले मिस्र दा शहजादा मैलती च वसदा सामने आंदा ते उल्टी आंदी पैर वेखो उल्टी आ जांदी तां उहनां दे पाइया पाइया मैल जम्मी हुंदी। नासर मदनी आया मैल सी शहर च मैं कड वट जाने ने हदीस दे नाल मुआशरे नू अटैच करके जाना है कुरान दे नाल मुआशरे नू अटैच करके जाना है। सुनिए सुनिए अर्ज करता कितने नौजवान है कितनी लड़कियों को शादी का झांसा दे के आपकी खातर तारे तोड़ लाऊंगा जमीन समान एक कर दूंगा मामा पापा को छोड़ दूंगा इफ यू डोंट माइंड डोंट टच मी लाइफ कह के मैं तुझे अपना लूंगा। अल्लाह की कसम इन करदारों को मैंने देखा है फिर उस लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करते फिर मौलवी को मसले पूछ दे मौलवी जी मेरा अपनी बुड़ी ना गल्ला करनु जी नहीं करदा मैं कह पहलो करना सा कहंदा करना सा मैं कह तेरा पैकेज मुक गया है जड़ियां तू बाद चो करनिया सी तू बेईमाना पहलो कर लिया। ये हदीस रसूल की मुखालफत में कभी सुख नहीं आता। हजूर ने कहा था शादी से पहले तुमने अपनी किसी भी औरत से बात करनी नहीं कर। आज कितने दोस्त अहबाब बैठे हैं बताओ ये जब मंगनी के बाद ही बातें शुरू हो जाती हैं अम्मा बादु फैन्ना अक्सनल खैरल हदीस किताबुल्ला वाक्सनल हदी हदी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। जब हजूर ने कहा सबसे तरीका अफसल तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा का है जो मुस्तफ़ा का तरीका छोड़ेगा उसको फिर खैर तो नहीं ना मिलनी। नबी पाक नाल जिसका कनेक्ट हो गया उदारा पनाल राबता डायरेक्ट हो गया हदीसे मुस्तफा को जो मानता नहीं आइडियल मुस्तफा को जो मानता नहीं सुन्नत मुस्तफा की जो मानता नहीं स्टेटस मुस्तफा को जो मानता नहीं गार्डियन मुस्तफा को जो मानता नहीं रब की बारगाह से वो रिजेक्ट हो गया रब की बारगाह से वो रिजेक्ट हो गया। बरसने लगी मुझ पे रहमत रब की बरसने लगी इन पे रहमत रब की जब से दीने मुस्तफा सब्जेक्ट हो गया। मेरे नबी ने क्या ज़ाफा वादा पूरा कर ते साढ़े इतने मसीत तक 1000 रुपये का वादा कर जे ना मौलवी जी घरों लै आज मौलवी तीन फेरे मारदा वो तू जान ही नहीं छड़दा वादा अपना पूरा करना है बल्ले बल्ले मजमे च करा लीए मस्जिद च करा लीए ते फिर मौलवी आंदे मौलवी जान नहीं छड़ अब्बल तो कैमरे का दौर है मुसलमान अंदरों वेख के आंदे उन्होंने कहो घर नहीं है तो जोड़ा कह आता वह भी आंदा मेरा अब्बा आंदा उन्होंने कहीं घर नहीं है बोलो वो भी यही कहता है। आज कितने मुसलमान हैं ये वादा खिलाफी कितनी करते झूठ कितना बोलते हैं बताओ। कुरान कहता है नबिया यूं अल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहु व क़ुलु क़ौलन सदीदा लोगो अल्लाह तो डरो सच्चियां ते सिद्धियां गल्लां करो। कुरान आंदा या यूं अल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहु व कुनु मा सादिकी ईमान वाले अल्लाह तो डरना है सच्चियां दे नाल मिलना है खालक दा कुरान सुनिए याओ हयू अल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ईमान वाले अल्लाह तो डरो जिवें अल्लाह तो डरन दा हक हासिल है। आज कितने मुसलमान आए मैलसी शहर विच मेरा मौलवी बड़ियां तगड़ियां करदे ने अजे मैं एक नुक्ता बयान कर रहा है मेरे पैगंबर ने बदर दे मौके दे कह दिता हुज़ैफा मुआदा नहीं तोड़ना जेड़ा तू वादा पूरा किया है अल्लाहू अकबर अल्लाह वो पूरा करना है। बल्कि एक और मैं हदीस सुनावा हजरत उमर कहते ने सोनिया मैं एक वादा बुत प्रस्ती दे
दौर च किया जी मैं अल्लाह के घर का उमरा करांगा। मेरे नबी ने फरमाया उमर ये वादा पूरा करना पै जिहड़ा इरादा किया सी पूरा कर उमरा कर मेरा चन मोबाइल छोड़े दरवेश ले ऐ मेरी गलती है ते मैलसी दे बड़े वड्डे दीन दे ठेकेदार मुल्ला कह देंदे नासर मदनी जलसे चेंज करदा है अल्लाह ना मुल्लावां नूं हदायत नसीब फरमाए। देखो ना मैं किसे नूं टकिया है ये चंगा अमल के पैड़ा काम है कि किसे नूं बंदा सिद्धे राह ते मौके दे पा दे। दलील मेरे कोल पुछो मैं अज इंशाल्लाह ऐसी तकरीर करनी है बड़े बड़े मुहक्कां नूं मैं दस जाना है कि नासर मदनी आया सी तुहाडी जबान ते खाक पा गया तुसीं बकवास कर दे जे ऐ बच्चे ने ना बेला किया तो मैं डकया है तो दलील मेरे पर सुनो खजूर पे मेरे नबी करीम की मस्जिद है तो इमामे हसन ले सलाम मेरे नबी करीम मानने वाला हजूर का नवास आए खजूर बैतुल माल दी सदके दी पकड़ी ते हलक च पाई कमली वाल ने फरमाया कख बाहर निकाल दो जो बाहर निकाली सियाबां दे ने सोनिया उंगल पा के कढ़ी बच्चा वे फरमाया अज बच्चा है मैरसी दे सजदा ली शरीयत बन जानी कि जे नबी दा थोतरा सदके दी खजूर खा सकदा है ते अज असी सदका क्यों नहीं खा सकदे। मुस्तफा ने फौरन टोक दिता अगर नबी फौरन ना सलाह कर दे ते अगे सैयद कुछ नहीं छड़ दे हुण उका ही नहीं अगे नहीं लोकी पुछदे भी सदका कि नहीं। मैं दलील देती है ना रोकन टोकन दी ते मनहजिया नूं अगो तुसी बोल के कह दिया करो कुछ अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे दोस्तों जितने दोस्त बैठे जे सुनिए जरा ध्यान दे नाल इतना जी जितने ईमान वाले बैठे ये कौन हुज़ैफा बिन यमान है मेरे नबी ने फरमाया हुज़ैफा मेरा राजदान है ये कौन राजदान है रसूल है जिदी शान है आओ हुज़ैफा दी शान मेरे नबी करीम ने फरमाया यूदिया मैं सौदा किया है यूदिया का नहीं किया अपना गवाह ले आओ मेरे नबी ने फरमाया गवाह तो मेरा कोई नहीं हजरत हुज़ैफा बिन यमान खड़े हो गए आंदे सोने मैं गवाही देने मेरे नबी ने सौदा किया है हुण आप फरमाते ने ज़ैबा तू उत्थे मौजूद नहीं सौ कह लगे कमली वाले पाक बारगाह च अर्ज करना है गुलाम ए रसूल कमली वाले दा नौकर अल्लाह दी तौहीद दा प्रचार करने वाला है ए कमली वाले सोने महबूबा मैं बिन वेखिया रब ताडी ज़बान नबूवत मन सकदा है अपने मुर्शिद की गवाही क्यों नहीं दे सकता।